गाइज इस शो में बात करने वाले हैं ऐसे तीन रूल्स की जो कि प्रो कबड्डी सीजन 7 में स्टार्टिंग से चले आ रहे थे, बट गाइज इस सीजन वो तीन रूल्स चेंज हुए हैं। सो गाइज उन पे हम चर्चा करने वाले हैं, गाइज आपको बताने वाले हैं कि कौन से वो तीन रूल्स हैं और क्या क्या उनमें चेंजेस आए हैं। बट गाइज उससे पहले मैं आपको बता दूं, गाइज पिछले मैंने कई सारी वीडियोस डाल चुका हूं जिसके अंदर मैं आपको कई टीम्स का यहां पे फिक्सर बता चुका हूं। ओवरऑल यहां पे आपको मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मैं आपको सारी टीम्स को होम लेग और वेन्यूज भी बता चुका हूं और एक वीडियो में मैं पूरा प्रो कबड्डी सीजन है उनका शेड्यूल भी बता चुका हूं। गाइज अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो गाइज उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। गाइज अब आते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पे और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले रूल की। गाइज जो पहला रूल है वो चेंज आया है यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 7 के पॉइंट टेबल में। गाइज जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे जो है जोन इस बार रिमूव हो गए हैं, मतलब गाइज यहाँ पे कोई भी टीम किसी भी जोन में नहीं खेलेगी। गाइज यहाँ पे हमने पिछले 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप तक भी हमने देखा था कि यहाँ पे जोन थे, बट गाइज इस साल हम देख रहे हैं कि 2019 के वर्ल्ड कप में कोई जोन नहीं है यहाँ पे। जो टीम्स नेट रन रेट के हिसाब से जो टॉप फोर टीम्स रहेंगी वही क्वालिफाई करेंगी और ऐसा ही हमें देखने को मिलता है आईपीएल के अंदर और अदर यहाँ पे लीग्स के अंदर भी। बट गाइज यहाँ पे जो है प्रो कबड्डी में ऐसा देखने को नहीं मिलता था, बट गाइज इस साल जो है यहाँ पे ये भी रूल चेंज हो गया है। और गाइज अब यहाँ पे जोन की टॉप थ्री टीम्स यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करेंगी बल्कि यहाँ पे एक ही यहाँ पे पॉइंट टेबल में 12 टीम्स होंगी जिसमें से 6 टीम्स जो है क्वालिफाई करेंगी। अगर यहाँ पे टीम्स लास्ट में अगर 6 टीम के यहाँ पे पॉइंट्स भी बराबर हैं तो भी नेट रन रेट जिस टीम का अच्छा होगा वही टीम यहाँ पे आगे जाएगी। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे प्रो कबड्डी में आया है जो कि हमें प्रो कबड्डी सीजन 7 में लगा 20 जुलाई से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे दूसरे चेंज की, वो अहम मैचेस में। गाइस यहाँ पे हम देखते थे कि हर साल यहाँ पे जो हमें होम लेग देखने को मिलते थे, गाइस हर टीम यहाँ पे अपने जोन के जो यहाँ पे हर जोन में 6 टीम्स होती थी, तो यहाँ पे जो है हर टीम अपनी अपोनेंट टीम से जो हर जोन की मतलब अपने अपोनेंट टीम से भिड़ती थी, बट गाइस यहाँ पे हर टीम के अपने जोन के अंदर टोटल 5 मैचेस खेले जाते थे। बट गाइस इस साल ऐसा हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। पहली जो चीज है वो तो ये है कि गाइस यहाँ पे जो है इस साल हमें 4 ही मैचेस यहाँ पे हर मतलब होम लेग में यहाँ पे टीम्स के देखने को मिलने वाले हैं। अगर मान लो यहाँ पे यूम्बा का होम लेग है तो यूम्बा के 4 ही मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो चेंज है वो ये है कि गाइज यहाँ पे जो है रेगुलर हमें मैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। गाइज हमने पिछले साल तक देखा था कि यहाँ पे अगर एक हफ्ते का एक होम लेग रहता था तो उसके अंदर डेली यहाँ पे हर टीम जो मतलब जिसका होम लेग होता था उसके यहाँ पे डेली मैचेस होते थे, बट इस साल ऐसा नहीं है। 4 ही मैचेस होंगे और एक होम लेग के अंदर 11 मैचेस खेले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 2-2 दिन के गैप में यहाँ पे मैचेस रखे जाएंगे या फिर 3 दिन के गैप में भी यहाँ पे मैचेस रखे जाएंगे पिछले साल की तरह। होम लेग में उसी टीम के जिस टीम का होम लेग है उसके यहाँ पे डेली मैचेस नहीं होंगे। तो गाइस ये एक मैचेस से रिलेटेड बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज आया है। उसका नाम तीसरे चेंज की बात करें तो गाइस वो आया है यहाँ पे प्लेऑफ्स के मैचेस के अंदर। गाइस पिछले साल तक हम देखते थे कि जोन ए की टॉप 3 टीम्स और जोन बी की टॉप 3 टीम्स ये 6 टीम्स जो है क्वालिफाई करती थी, जिसके अंदर जोन ए की टॉप टीम और जोन बी की टॉप टीम तो डायरेक्ट यहाँ पे सेमीफाइनल्स में जाती थी। बट गाइस बात की जो टीम्स वो एलिमिनेटर में भिड़ती थी उसका सेमीफाइनल से फिर फाइनल में जाती थी, और जोन ए और जोन बी की जो टॉप टीम्स रहती थी वो आपस में मैच होता था उनका, और जो जीती थी वो तो फाइनल में जाती थी, जो हारती थी उसका जो एलिमिनेटर जो जीतता था उससे सेमीफाइनल होता था और फिर जो जीतता था वो फाइनल में जाता था। बट इस साल हमें ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला है। इस साल जो होगा वो ये होगा कि गाइस यहाँ पे एक ही पॉइंट टेबल में 12 टीम रहने वाली है, तो जो टॉप 6 टीम्स क्वालिफाई करेंगी उसमें यहाँ पे जो है क्लैश होगा। यहाँ पे 1 और 3 में यहाँ पे मैच होगा, 2 और 5 में यहाँ पे मैच होगा। ऐसे गाइस यहाँ पे जो है पूरा का पूरा प्ले ऑफ यहाँ पे फिक्स करा गया है, जिसके आप इमेज अभी देख रहे होंगे उसमें आपको समझ आ गया होगा कि किस हिसाब का ये प्ले ऑफ के मैचेज इस साल होने वाले हैं। तो गाइस प्ले ऑफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। पिछले साल की तरह जो मतलब रूल था वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे अलग ही मैचेस होंगे और गाइस आपको यहाँ पे अलग ही पूरा का पूरा प्ले ऑफ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल अगर बात करूँ तो पिछले साल से बहुत ज्यादा चेंज आया है यहाँ पे प्रो कबड्डी में। गाइस इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उसके अंदर मैं बताया था कि यहाँ पे प्रो कबड्डी इस सीजन बहुत सारे चेंजेस कर सकती है अपने रूल्स के अंदर। गाइस वही हुआ है, बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे इस साल यहाँ पे हमें प्रो कबड्डी सीजन है और ज्यादा बेस्ट देखने को मिलेगा इन रूल्स की वजह से। गाइस यहाँ पे जो है एक ही जब जोन में सारी टीम्स रहेंगी एक ही पॉइंट टेबल में, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर होने वाली है। तो गाइस हमें हर टीम के मतलब हर टीम के खिलाफ कोई एक एक मैचेस देखने को मिलने वाला है। इंटर जोन का हमें वेट नहीं करना होगा। अगर आप यहाँ पे गुजरात और तेलुगु के मैच के बहुत बड़े फैन है तो गाइस आपको यहाँ पे इंटर जोन का यहाँ पे वेट नहीं करना होगा। स्टार्टिंग से ही आपको यहाँ पे ये मैच देखने को मिल जाएंगे। इंटर जोन मैच नाम की यहाँ पे कोई चीज ही नहीं होगी। तो ये जो प्रो कबड्डी सीजन 7 होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारी अपडेट्स मैंने यहाँ पे आपको पहले ही दे रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप प्रो कबड्डी सीजन 7 देख सकते हैं।
उसमें आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। आगे की अपडेट्स में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। हर मैच का प्रो कबड्डी सीजन 6 की तरह हर मैच का हम प्रीव्यू और हाईलाइट अपने चैनल पे कवर करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं टॉक शुड में, जय हिंद, वंदे मातरम।